स्नेहा एक बिन माँ की बच्ची थी जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता श्रीकांत एक किसान थे। उन्होंने स्नेहा के लिए दूसरी माँ लाने का विचार किया और दूसरी शादी कर ली। पर श्रीकांत की दूसरी बीवी ममता स्नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन, स्नेहा पूरे दिन तुम रोटियां तोड़ती रहती हो, कुछ काम धाम है या नहीं? हाँ बोलो माँ, आप क्या काम करवाना चाहती हैं? मैं कर दूंगी। ये लो पैसे और पास की सब्जी मंडी से सब्जी ले आओ। ठीक है माँ। स्नेहा पैसे लेकर सब्जी मंडी चली जाती है और जब वापस आती है तो, माँ आज तो सब्जी बहुत महंगी है। सारे पैसे उड़ाई क्या? माँ आज सब्जी मंडी में सब्जी महंगी होने की वजह से थोड़ी सी ही सब्जी आ पाई है। सब्जी महंगी थी या उन पैसों से चाट पकौड़ी खा ली है, मैं सब जानती हूँ। थोड़ी सी ढील दी नहीं और तेरा उड़ना शुरू हो जाता है। अब नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। चल रसोई में जा और खाना बना। खाना बना कुछ बनाती नहीं, बहस करवा लो इस लड़की से, पता नहीं कब तक मूंग दलेगी मेरी छाती पर। स्नेहा रसोई में खाना बनाने चल देती है। मुझे कैसे ना कैसे करके इस लड़की से अपना पीछा छुड़ाना होगा। बस मैं क्या करूं जो इस घर से चली जाए, नहीं तो मुझे जीवन भर इसे झेलना पड़ेगा। तभी ममता को एक उपाय सूझता है। ममता अपने सोने का हार स्नेहा के कमरे में छुपा देती है। सुनो जी, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है। यही कहीं होगा, तुम रख कर भूल गई होगी। मैंने चारों तरफ देख लिया पर मुझे नहीं मिला। बस एक स्नेहा का कमरा रह गया है, उसकी तलाशी लेनी है। वो मेरी माँ ने दिया था। ये कैसी बात कर रही हो? आखिर स्नेहा तुम्हारा हार क्यों चुराएगी? मैंने कब कहा चुराएगी, पर एक बार तलाशी लेने दो, क्या जाता है हाथ कंगन को आरजी क्या? ममता स्नेहा के कमरे की तलाशी लेती है। वहाँ उसे अपना सोने का हार मिल जाता है, क्योंकि ये हार उसी ने रखा था। देखा, मैं ना कहती थी, मेरा सोने का हार स्नेहा ने ही चुराया है। अब तो आपकी आंखों के आगे है, अब तो विश्वास हो गया ना कि स्नेहा चोर है। इसकी नजर हमेशा मेरे सोने के हार पर रहती थी और आज तो उसने चुरा भी लिया। स्नेहा ये क्या है, तुमने अपनी माँ का सोने का हार चुराया है, तुम्हें किस बात की कमी है जो तुमने ये सब किया? नहीं पापा, मैंने सोने का हार नहीं चुराया। मुझे नहीं पता ये हार कहाँ से आया, मैं भला हार क्यों चुराऊंगी पापा? ये तो मेरी आंखों के आगे ही तेरे कमरे से निकला है। अगर तूने नहीं चुराया तो ये हार तेरे कमरे में से कैसे निकला? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। या तो इस घर में अब ये रहेगी या फिर मैं। कल को अगर मेरा कोई और सामान इसने चुरा लिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी ना। पापा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर से मत निकालिए। आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं एक कोने में रहूंगी। माँ मुझे घर से मत निकालो, मैं घर का सारा काम करूंगी। श्रीकांत चुपचाप खड़ा देखता रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। स्नेहा अपनी आंखों में आंसू लेकर उस घर से निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल की ओर चल पड़ती है। तभी स्नेहा को एक खरगोश दिखाई देता है जो झाड़ियों में फंसा होता है। ये खरगोश तो बहुत खूबसूरत है पर ये तो झाड़ियों में फंसा हुआ है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, इसे तो झाड़ियों से चोट भी लग गई है। वो उसे झाड़ियों से निकाल देती है और जड़ी बूटी को उसके घाव पर लगा देती है। खरगोश ठीक होकर जंगल की ओर भागता है। वो खरगोश के पीछे पीछे घने जंगल के अंदर पहुँच जाती है। अरे मैं ये कहाँ आ गई, ये तो घना जंगल है, इसमें तो बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते होंगे, अब मैं क्या करूं? स्नेहा उदास होकर बैठ जाती है। ऐसे बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। मैं घर वापस भी नहीं जा सकती, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, मुझे यहीं पर रहना होगा इस जंगल में। पर मैं इस घनघोर जंगल में जंगली जानवरों के बीच कैसे रहूंगी? अच्छा है कोई जानवर मुझे खा जाए, क्योंकि अब मेरा जीवन निरर्थक है। पापा ने मुझे निकाल दिया और माँ मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं जीकर भी क्या करूँगी? वो ऐसा विचार कर रही होती है तभी वो खरगोश वहाँ आ जाता है। स्नेहा तुम बहुत ही नेक लड़की हो, तुम ऐसा विचार कैसे कर सकती हो, तुम्हें तो अभी और जिंदगी जीनी है। स्नेहा चौंक जाती है और इधर उधर देखती है। स्नेहा चौंको मत, मैं बोलने वाला खरगोश हूँ, तुमने मेरी जान बचाई, तुम इस जंगल में निश्चिंत होकर रह सकती हो। यहाँ पर रहने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी रक्षा भी करूँगा। वो कैसे?
इस जंगल के सभी जानवरों को मैं समझा दूंगा तो वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे और तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे इस जंगल में रहने के लिए मुझे एक घर की जरूरत होगी, पर मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यहाँ पास में ही बहुत सारे गन्ने हैं, उसमें तुम अपना घर बना सकती हो। जाओ, एक मजबूत और खूबसूरत घर बनेगा। स्नेहा को विचार बहुत अच्छा लगता है, वो उन गन्नों को तोड़कर ले आती है और एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है। साथ ही नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाती है जो बहुत ही आकर्षक होता है। उसके गन्ने के बने हुए घर से जंगल में एक रौनक सी हो जाती है। ये तो बहुत ही सुंदर घर बना है, सभी घरों से बिल्कुल अलग। वो उस घर में रहने लग जाती है। जंगल के सभी जानवर उसकी मदद करते हैं। एक दिन एक शिकारी शिकार करने वहाँ आ जाता है और उसे वो घर दिखाई देता है। ये घर तो बहुत खूबसूरत है। ये मेरा घर है। मैं शिकार खेलते खेलते बहुत थक गया हूँ, क्या मैं इसमें थोड़ी देर रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शिकारी थोड़ी देर आराम करता है और फिर शहर में जाकर सबको गन्ने के घर के बारे में बताता है। अब तो उसके गन्ने का घर बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है और वहाँ पर कुछ पर्यटक भी आने लगते हैं, जिससे स्नेहा की कुछ कमाई भी हो जाती है। स्नेहा अब उस गन्ने के घर में जंगल के जानवरों के साथ हंसी खुशी रहती है। मिर्जापुर गांव में माया देवी अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बारिश के मौसम में एक दिन रात को बाढ़ आ जाती है और पूरा गांव पानी में डूब गया। गांव के लोग वहां से जान बचाकर भागे। माया देवी भी अपने छोटे बच्चों के साथ पड़ोस के सिकंदराबाद में पहुंची। माया को देखकर सिकंदराबाद का सरपंच आया और बोला, ए बुढ़िया, हमारे गांव में क्यों आई है? सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव मिर्जापुर में बाढ़ ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है, इसलिए मुझे और मेरे दो बच्चों को अपने गांव के बाहर ही रहने दो। तो जानती नहीं कि तेरे पति से मेरी दुश्मनी थी, तो मैं दुश्मनों को कैसे रख सकता हूँ? और वैसे भी तुम इतने गरीब हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम चोरी नहीं करोगे। सरपंच जी, हम समय काटने आए हैं, हम चोरी क्यों करेंगे? ए बुढ़िया, ज्यादा सयानी मत बन और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जा। माया सरपंच के आगे खूब रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सरपंच तेज तेज हंसता रहा और माया को गांव से बाहर निकाल दिया। माँ, अब हम क्या करेंगे? गांव में पानी है और दूसरे लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे, अब हम कहाँ जाएं? जंगल के अलावा भी तो कोई रास्ता नहीं है। माँ, हम इस सड़क पर भी तो रह सकते हैं। नहीं बेटा, यहाँ भी पानी आ जाता है और अगर पानी नहीं भी आया तो सरपंच नहीं रहने देगा, हमें इसकी नजरों से दूर जंगल में ही जाना होगा। ईश्वर ने जो भी लिखा है नसीब में, वो तो होना ही है। माया अपने बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं। वहाँ दो आम के और बाकी फलों के पेड़ भी हैं। माँ, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल नहीं है और बहुत सारे फल भी हैं। अब हम यहाँ पर पेट भर के खा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। हाँ माँ, अच्छा हुआ वहाँ बाढ़ आ गई, क्योंकि ना तो वहाँ फल मिलते थे और ना इतनी ठंडी अच्छी हवा। बच्चों, बाढ़ बहुत अच्छे के लिए आई, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है और हम जंगल में रह सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक झोपड़ी बनानी होगी, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाएंगे। लेकिन माँ, हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से झोपड़ी बनाएंगे। हाँ माँ, मैं पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट लाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, पेड़ों में भी जीवन होता है, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए, हम इनकी वजह से ही सांस लेते हैं और खाते पीते हैं। फिर हमारी झोपड़ी कैसे बनेगी माँ? वो सामने देखो, वहाँ पर कुछ सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम उनसे अपनी झोपड़ी बनाएंगे। माया अपने बच्चों के साथ लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देती है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो पर्याप्त लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं। देव नदी की तरफ झोपड़ी के लिए फूस लेने चला जाता है। देव, अकेले वहाँ मत जाओ, पहले लकड़ी से झोपड़ी बना लेते हैं, बाद में फूस ले आएंगे। देव उसकी कोई बात नहीं सुनता और फूस उठाने चला गया। तभी देव की चीख निकली क्योंकि उसे सांप ने काट लिया।
माँ, क्या हुआ देव? माँ, मुझे सांप ने काट लिया। यह बात सुनकर माया और मोनी दोनों रोते हुए देव की तरफ दौड़े। देव भी बेहोश हो चुका था। देव, 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 बेटा, बेटा, हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने पहले पति छीन लिया, फिर घर, और अब बेटा भी। भगवान, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। तभी उन्हें एक आवाज आती है। माया, मैं जादुई बांस का घर हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी कि तुम अपने बच्चों को पेड़ों के बारे में समझा रही थी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को अब वापस जिंदा कर रहा हूँ और तुम्हें रहने के लिए एक जादुई घर दे रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा परिवार बिना किसी डर के रह पाएगा और तुम अन्य लोगों का भी भला कर पाओगी। मैं कोई सपना देख रही हूँ? अभी तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और एक आलीशान घर भी आ जाएगा, जिसमें खाने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। माया और मोनी अपनी आंखें बंद करते हैं और जादुई बांस का घर बनकर तैयार हो गया, जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। तभी देव भी जिंदा हो गया और उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ, माँ, देव, तू ठीक है? हाँ माँ, मैं तो सोया था और आपने तब तक इतना अच्छा घर बना दिया। घर? तीनों पीछे देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ बांस का जादुई घर है। वो तीनों जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। अंदर से वो घर नहीं, महल है। देव और मोनी को वो घर बहुत पसंद आता है। वो वहीं रहने लगे और खूब फल खाते। इसी तरह तीनों रहने लगे। माया और उसके बच्चों के कुछ दिन आराम से बीत गए। फिर उन्होंने एक दिन देखा कि सरपंच भी बाढ़ से बचकर जंगल में भाग आया है। माया, मुझे माफ कर दे और मेरे परिवार को अपने घर में रख ले। माया, मुझे माफ कर दे। माया, आपने हमें अपने गांव में नहीं आने दिया, हम अपने गांव में क्यों आने दे? बेटा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सरपंच जी, आ जाओ ये घर में। सरपंच ने जैसे ही अपने परिवार के साथ घर में कदम रखने की कोशिश की, जादुई घर ने उसको बाहर फेंक दिया और बहुत तेजी से जंगल में भी बाढ़ आ गई, जिसमें सरपंच और उसका परिवार भी बह गया। लेकिन जादुई बांस के घर को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत रहा। कुछ दिन में बाढ़ का कहर शांत हो गया और माया अपने बच्चों के साथ जंगल में ही रहने लगी।